नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव शुरू होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में अशोक गहलोत ने एक बड़ा दाव खेला है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत अब पांच गारंटी जो है उसका ऐलान करने वाले हैं, जिससे जनता के बीच जो है अब पकड़ और भी मजबूत नजर आती है। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने काफी समय से तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य की जनता को साधने के लिए कांग्रेस लगातार गारंटियों की लिस्ट जारी कर रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार 27 अक्टूबर को 5 और गारंटियों का ऐलान करेंगे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सभी कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल सका इन गारंटियों में आमजन को कितना लाभ छुपा है। आपको बता दें कि अब कुछ ही दिनों में पीसीसी वॉर रूम में सीएम गहलोत इन गारंटियों का ऐलान करेंगे। गौरतलब है कि अशोक गहलोत ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी की 2 गारंटियों की घोषणा की थी। इसमें प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य के 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, और साथ ही गृह गारंटी लक्ष्मी के तहत परिवार की महिला मुखिया को 1 साल में 10,000 रुपये देने का ऐलान भी किया था। आपको बता दें कि इस समय अशोक गहलोत के बेटे को जो है ईडी ने आज पूछताछ के बुलाया है। ऐसे में जो है अब अशोक गहलोत जो है वो ईडी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि राजस्थान की महिलाओं को 2 गारंटियां दी तो ईडी भेज दिया। आपको बता दें, अभी 5 गारंटियां देंगे तब ईडी वालों की संख्या कम ना पड़ जाए। आपको बता दें, कड़ा तंज कसा है ईडी के ऊपर। बता दें आपको कि इस समय बड़ा दाव खेला है, राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल सा आया है। फिलहाल वो कौन सी गारंटियां होंगी हम आपको अपडेट बताते रहेंगे बस कुछ ही पलों में, लेकिन आप देखते रहिए नेक्स्ट नई आवाज़।